हाय एवरीवन, दिस इज़ विरोनिका। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की कि भारत से 100 हिंदूज़ जो हैं वो वीज़ा पे पाकिस्तान जा रहे हैं शदानी दरबार को विज़िट करने। यहाँ पे लास्ट तक बने रहिए, हम जानेंगे कि किस प्रोटोकॉल के अंदर ये हिंदूज़ जा रहे हैं। इस प्रोटोकॉल को डिटेल में पढ़ेंगे और आर्ट एंड कल्चर भी यहाँ पे कनेक्टेड है। ये शदानी दरबार क्या है इसके बारे में भी हम जानेंगे। यहाँ पर आप मेरे बारे में जान सकते हैं और ये मेरा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरी, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। सो पाकिस्तान हाई कमीशन ने इशू किया है वीज़ास कि इंडिया के जो यात्री हैं, पिलग्रिम्स हैं, वो शदानी दरबार जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट भी है अगर आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में, जहाँ पे सॉफ्ट पावर की बात आती है, सॉफ्ट पावर या कल्चर की बात आती है। कल्चर आज भी पाकिस्तान और इंडिया को, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स जो हमारे हैं उनको कनेक्ट करता है, और ये एक अच्छा फाउंडेशन भी है दोनों देशों के रिश्तों को फिर से अच्छा करने का, क्योंकि इंडिया का हमेशा इंटेंशन रहता है बट पाकिस्तान ये समझने के लिए राज़ी नहीं है। बट अब पाकिस्तान की तरफ से भी ये एक अच्छा सिग्नल है कि उन्होंने ये वीज़ाज़ इंडिया को दिए हैं। तो लास्ट तक आप बने रहेंगे तो आप जानेंगे कि ये प्रोटोकॉल आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, कि किस प्रोटोकॉल के अंदर ये लोग जा रहे हैं ना। आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो यहाँ पर आप शदानी दरबार देख सकते हैं। सो फाइनली 100 वीज़ाज़ जो हैं वो दिए गए हैं। अब जिस प्रोटोकॉल की मैं बात कर रही हूँ जिसके अंदर ये हिंदू जो यात्री हैं ये यहाँ पे जाएंगे, ये है पाकिस्तान-इंडिया प्रोटोकॉल ऑन विजिट्स टू रिलीजियस श्राइन्स ऑफ 1974। और इस प्रोटोकॉल का इम्पॉर्टेंस क्या है कि दोनों देश के जो इस तरह के रिलीजियस यात्री रहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं या भारत से पाकिस्तान जा रहे हैं, उनको ट्रैवल अलाउ किया जाएगा, वो जा सकते हैं। अब यूजुअली इमिग्रेशन के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस रहते हैं, लेकिन उसमें उतने प्रोसेसेस नहीं होंगे। बट हाँ, यहाँ पर एक कंडीशन है कि ग्रुप्स में ही लोग जा सकते हैं, ऐसे अकेले अकेले नहीं जा सकते, ग्रुप्स में जाना है। और ग्रुप्स भी फिक्स्ड रहते हैं कि कितने नंबर ऑफ पीपल एक देश से दूसरे देश में जाएंगे, राइट। तो ये 100 वीज़ाज़ जो इंडियन यात्रियों को दिए गए हैं, ये बेसिकली वहाँ क्यों जा रहे हैं, 314th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है शिव अवतारी सतगुरु संत शदाराम साहिब जी की सिंध प्रोविंस में। तो याद रखिए सिंध प्रोविंस में है ये, और ये लोग विजिट करेंगे शदानी दरबार को। और ये शदानी दरबार कहाँ है, हयात पिताफी, सिंध प्रोविंस में हयात पिताफी में। और 22 नवंबर से 3 दिसंबर तक ये पूरा जो प्रोसेस है विजिटिंग का ये चलेगा। एंड जो पिलग्रिम्स पाकिस्तान में हैं फ्रॉम 22 to 3 दिसंबर, वो भी जो बाकी की हॉली प्लेसेस हैं, सुक्कुर, धेर की, ननकाना साहिब, वो वहाँ पे भी विजिट, बाकी जगह पे भी जाएंगे शदानी दरबार के साथ साथ। जो यात्री जब हमारे जो यात्री इंडिया से पाकिस्तान पहुँच जाएंगे, बाकी जगह भी विजिट करेंगे। सो पाकिस्तान हाई कमीशन का ट्वीट आप देख सकते हैं, पाकिस्तान हाई कमीशन न्यू दिल्ली में 100 वीज़ाज़ दिए। तो देखिए ये करंट अफेयर आपका अपडेशन यहाँ पर हो जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस का। तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको यहाँ पर मिलती है, क्योंकि काफ़ी समय से बहुत अच्छे रिलेशंस हमारे पाकिस्तान के साथ नहीं चल रहे। बीच में फिर से कम्युनिकेशन खुलता है सॉफ्ट पावर के तौर पे, लेकिन इंडिया हमेशा कल्चर को एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मानता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्ट पावर मानता है दोनों देशों में रिश्ते ठीक करने के लिए। सो दिस इज़ वन पॉइंट। अनदर पॉइंट इज़ शदानी दरबार, जो आर्ट एंड कल्चर के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ पे लोकेटेड है, हयात पिताफी घोटकी डिस्ट्रिक्ट शदानी दरबार वहाँ पर। और इसको सिंध प्रोविंस का, रिमेंबर इट, सिंध प्रोविंस का बिगेस्ट हिंदू टेम्पल माना जाता है पाकिस्तान में। इसको किसने, इसके फाउंडर कौन है, 1986 में संत शादाराम साहिब जी वो इसके फाउंडर हैं। और यहाँ पे लोग इनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए ट्रैवल करते हैं। टेम्पल के वेबसाइट पे भी आपको दिखेगा कि संत शादाराम जी का जन्म लोहाना खत्री फैमिली लाहौर में हुआ था 1708 में, और इनको राम भगवान का आगे अवतार माना जाता है, डिसेंडेंट ऑफ लॉर्ड राम सन लव, जो राम जी के 2 बेटे थे लव एंड कुश, तो लव का डिसेंडेंट माना जाता है। और लॉर्ड शिव का भी अवतार माना जाता है। तो सतगुरु संत शादाराम साहिब, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से इनका पिक्चर। और माना जाता है कि 20 इयर्स के जब ये थे, ये डिफरेंट हॉली जो पूजा वाली जगह रहती हैं, हॉली प्लेसेस रहती हैं, हरिद्वार, यमुनोत्री, गंगोत्री, अमरनाथ, अयोध्या, हर जगह ये गए। और पशुपतिनाथ का जो टेम्पल नेपाल में है वहाँ पे भी इन्होंने विज़िट किया। फिर 1768 में ये मथेलो जो कैपिटल है सिंध की, वहाँ पर पहुँचे। तब वहाँ पर राजा थे राजा नंद, और फिर उन्होंने वहाँ पे शिव टेम्पल बनाया। और ये धूनी साहिब, वहाँ पे एक हॉली फायर है, आग है जो जलती रहती है, वो उन्होंने जलाई। सो थोड़ी देर के बाद वो इस विलेज से चले गए अपना, ही लेफ्ट हिज टेम्पल ऑफ विलेज मथेलो, जहाँ पे मथेलो में उन्होंने ये टेम्पल बनाया, ये छोड़ दिया उन्होंने। और नियरेस्ट एक हॉली विलेज है हयात पिताफी, जहाँ पे ये जहाँ पे लोग जाने वाले हैं, जहाँ पे ये टेम्पल है, ये वहाँ पे चले गए और वहाँ पे स्थापना की शदानी दरबार की। तो एक शिव टेम्पल आप देख सकते हैं राजा नंद ने, जहाँ पे राजा नंद रूल करते थे, वहाँ पे शिव टेम्पल बना। फिर शदानी दरबार की स्थापना हयात पिताफी में इन्होंने की। और यहाँ पे एक वेल भी बनाई है, सैक्रेड वेल है, इसको कहा जाता है कि यहाँ पे जो नहाते हैं उनके सारे दुख दर्द दूर होते हैं, ये मान्यता है इस जगह की। और साथ साथ हॉली फायर भी है यहाँ पे, धूनी साहिब जिसको कहा जाता है। ये सब आपको इसके वेबसाइट पे भी पढ़ने को मिलेगा। और धूनी साहिब और इस वाटर की काफ़ी जो है मान्यता है कि सफरिंग्स, लोगों के दुख दूर होते हैं, अगर बुरी किस्मत है तो वो भी ठीक होती है। तो अग्नि पूजा यहाँ पे हर साल होती है, लोगों की शादियाँ यहाँ पे होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे आते हैं, काफ़ी इस जगह को मानते हैं, भारत से भी और पाकिस्तान में भी जो लोग हैं हिंदूज। आफ्टर संत सदाराम ये दरबार में जैसे गद्दी ट्रांसफ़र होती है, तो यहाँ पे क्या रहता है, बहुत जगह आपने सिस्टम देखा होगा कि एक गुरु जब उनके बाद उनका कोई ना कोई विरासत में वो गद्दी लेता है, गद्दीदार आता है, उसका और कोई हेड बनता है। तो और भी 8 गद्दी सर इसके रहे हैं, हेड्स रहे हैं। करंट 9th गद्दी सर डॉक्टर युधिष्ठिर लाल जी हैं, जो प्राइमरली छत्तीसगढ़ रायपुर से हैं, और उनकी वाइफ माता दीपिका जो कि जलना महाराष्ट्र से हैं। 5th गद्दी सर जो इनकी थी वो एक महिला थी, माता साहिब हासी देवी, उन्होंने 1852 में ये गद्दी संभाली थी। सो दिस वॉज रिलेटेड टू योर आर्ट एंड कल्चर। IR का हम फिर से रिवाइज करते हैं क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1974 इंडिया पाकिस्तान प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल में बोला गया था कि दोनों देशों के जो यात्री हैं उनको वीज़ा मिलेगा कि वो रिलीजियस प्लेसेस विजिट कर सकते हैं, यूजुअल इमिग्रेशन प्रोसेस से इनको नहीं गुजरना होगा, ग्रुप्स में, फिक्स्ड ग्रुप्स में, फिक्स्ड नंबर में वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस प्रोटोकॉल के अंदर 15 जो श्राइन्स हैं वो पाकिस्तान में हैं जो विजिट की जा सकती हैं, और 5 जो हैं वो इंडिया में है जो इस प्रोटोकॉल के अंदर कवर होती हैं। ये जो श्राइन्स पाकिस्तान में हैं, गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब, गुरुद्वारा श्री पंज साहिब, समाधि महाराज ऑफ महाराज रंजीत सिंह लाहौर, फिर डेरा साहिब लाहौर। लाहौर में आप देखिए कितने सारे, ये ऑल तो आपको इतना याद नहीं रखना है बट जस्ट आपको पता होना चाहिए। इंडिया में जो प्रोटोकॉल में कवर होता है वो हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में आपको दिख रहा है, तो पंजाब में दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इनमें से 5 इंडिया में भी हैं और वो भी पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आते हैं। सो इस साल जनवरी में ही इंडियन गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था कि हम और भी जो रिलीजियस श्राइन्स हैं उनको ओपन करते हैं दोनों तरफ। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की पाकिस्तान में बात चल रही थी क्योंकि एक पॉजिटिव अप्रोच भी है कि कल्चर और सॉफ्टवेयर पे, सॉफ्ट पावर पे हम दोनों देशों के रिश्ते जो हैं वो ठीक करें। एंड लुक, स्पोक्स पर्सन जो अरिंदम बागची हैं उन्होंने कहा इंडिया हैज़ अ पॉजिटिव अप्रोच ऑन दिस मैटर एंड इज़ विलिंग टू एंगेज विद पाकिस्तान साइड। तो पाकिस्तान की तरफ से अब ये एक अच्छा सिग्नल हमको मिला, देखते हैं ये रिश्ते आगे किस तरह टर्न लेते हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। पसंद आने का मतलब है कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो इसको याद रखिए, स्पेशली द प्रोटोकॉल एंड आर्ट एंड कल्चर पार्ट। बाकी आप UPSC की प्रिपरेशन हमारे साथ आसान कर सकते हैं, बेस्ट एजुकेटर्स इंडिया के आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। और फिलहाल बहुत ड्रॉप डाउन भी चल रहा है और हमारे 2 बैचेस शुरू हो रहे हैं, आरंभ जो कि बायलिंगुअल है, एक्सपेडिशन बैच, उस पर मैं भी आपके क्लासेस लूँगी। 24 नवंबर से ये बैचेस आपके शुरू हो रहे हैं। बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप एवर, तो आज लास्ट डेट है, इससे ज़्यादा प्राइस आज तक कभी कम नहीं हुआ है। VIRO UPSC इज़ द कोड जो आप यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं, EMI पे भी ले सकते हैं। जो इंटरव्यू का फ्री गाइडेंस प्रोग्राम है उसमें खुद को एनरोल कर सकते हैं। एंड आई होप यू आर कम्पीटिंग एंड लर्निंग। थैंक यू सो मच।